अब हम लोग ई वे बिल प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए सेक्शन 68 जो सी एक्ट का है सेक्शन 68 क्या बोलता है सेक्शन 68 बताता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट सेक्शन 68 क्या बता रहा है आपको सेक्शन 68 बता रहा है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट ये बोल रहा है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट तो अब देखिए जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं वो गुड्स का क्या कर सकते हैं इंस्पेक्शन कर सकते हैं जब मूवमेंट हो रहा है गुड्स का तो फिर क्या है उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है तो बेसिकली यहां पे इनको क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वे बिल क्या है ये एक डॉक्यूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रहा है जिसमें जो कंसाइनमेंट आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसकी डिटेल्स है कि कौन कंसाइनर है कौन कंसाइनी है ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आ रही है ठीक है कहाँ जाएगा माल गुड्स ट्रांसपोर्ट जो वहीकल ट्रांसपोर्ट नंबर है तो फंडामेंटली ये इलेक्ट्रॉनिक वेबिल के प्रोविजन क्या है हम यहां डिस्कस करेंगे सो so, सेक्शन 68 बेसिकली ऑफ द सीजीएसटी एक्ट मैंडेट्स दैट द गवर्नमेंट में रिक्वायर वॉट द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. तो इसके लिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के प्रोविजन बनाए गए हैं तो वॉट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेबिल क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेबिल इज अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जी एस टी पोर्टल ठीक है एविडेंसिंग वॉट एविडेंसिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स इलेक्ट्रॉनिक वे बिल क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो गया दैट इज जनरेटेड ऑन द जी एस टी पोर्टल एविडेंसिंग वॉट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है वे बिल है ठीक है सो so, रूल 138 जो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के स्टेटरी प्रोविजन से डील करा वन से लेके 138 तक है तो ये बता रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रॉनिक वेबिल मैंडेटरी होता है अगर गुड्स का इंटर स्टेट मूवमेंट होता है अगर गुड्स का क्या हो रहा है इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है जहां कंसाइनमेंट वैल्यू जहां कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड कर रही है क्या पचास हजार रुपये तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इंटर स्टेट मूवमेंट होना चाहिए गुड्स का जहां कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड करे पचास हजार रुपए तो अब सपोज कीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट होते हुए वापस मूवमेंट इसी स्टेट में टर्मिनेट होगा तो भी इन्होंने बोल रखा है वो इंटर स्टेट मूवमेंट तो ही रहा है गुड्स का इसलिए क्या वे बिल e की रिक्वायरमेंट रहेगी अब हमारे पास बात यह आती है कि कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मतलब है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आप कंसाइनमेंट वैल्यू निकालिए और फिर बताइए कि यह ई बिल की जरूरत है या नहीं है तो कंसाइनमेंट वैल्यू क्या हो गई बेसिकली जो वैल्यू आपने डिटरमाइन की है इन वैल्यू जो वैल्यू डिटरमाइन की है इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन फिफ्टीन दैट इज क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू ये ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई इट शेल बी द वैल्यू डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन फिफ्टीन डिक्लेयर्ड इन इन वॉइस डिक्लेयर्ड इन इनवाइस बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एस द केस में भी इन वॉयस में या बिल ऑफ सप्लाई में या डिलीवरी चालान में जो वैल्यू आपने डिक्लेयर करी है और इसके अंदर इट इंक्लूड्स क्या सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स यूनियन टेरिटरी टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस चार्ज इफ एन एनी इन द डॉक्यूमेंट सपोज कीजिए चालीस हजार रुपए तो वैल्यू है और इस पे आपने क्या है 28 परसेंट जीएसटी चार्ज किया है <coughs> तो फिर क्या हो जाएगा चालीस हजार रुपए अट्ठाईस परसेंट जुड़ जाएगा पर इसमें क्या इंक्लूड नहीं हो रही इसमें इंक्लूड नहीं हो रही वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स इसमें वैल्यू ऑफ एग्जेम सप्लाई नहीं हो रही अगर इनवॉइस के अंदर दोनों टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जाम सप्लाई है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई है तो इसमें टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों है तो एग्जाम सप्लाई की वैल्यू आप इंक्लूड नहीं करेंगे आप इसके अंदर एग्जाम सप्लाई की वैल्यू क्या है इंक्लूड नहीं करेंगे आप इसमें एग्जाम सप्लाई की वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे तो बेसिकली ई वे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सिडिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड अब ये जो मूवमेंट हो रहा है द मूवमेंट शुड बी इन रिलेशन टू सप्लाई मूवमेंट क्या है द सेम मस्ट बी इन रिलेशन टू सप्लाई या फॉर रीजन्स अदर देन सप्लाई या फिर क्या फॉर रीजन्स अदर देन सप्लाई तो जरूरी नहीं कि सप्लाई के कारण से ही मूवमेंट हो फॉर रीजन अदर देन सप्लाई ऑल्सो जैसे अगर आपने जॉब वर्कर के पास भेज दिया तो भी तो क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है सेल ऑन अप्रूवल भेज दिया तो भी तो क्या हो रहा है मूवमेंट हो, तो तो हो, हो रहा है किसी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में बेच दिया

जॉब वर्क परपसेस के लिए यानी प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर को माल दे रहा है प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर को माल दे रहा है जॉब वर्क परपसेस के लिए तो क्या है पचास हजार रुपए का कोई लेना देना नहीं है कितनी भी वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट हो क्या है ये दिखाने मतलब आपको क्या है डिक्लेयर करनी पड़ेगी मतलब ई वे बिल वहां मैंडेटरी हो जाएगा उसके अलावा देखिए अपन ने रजिस्ट्रेशन वाले प्रोविजंस में देखा था कि जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है या गुड्स मेड ऑफ क्राफ्ट्समैन है उनका इंटरस्टेट मूवमेंट होता है तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स है उनको थ्रेश लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा पर उसमें कंडीशन ये थी कि उनको अपना पेन देना पड़ेगा और ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो गया तो जहां इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हेंडी हैंडीक्राफ्ट गुड है बाय पर्सन एग्जेप्टेड फ्रॉम obtaining रजिस्ट्रेशन वहाँ भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ई बिल क्या है जनरेट करना जरूरी है तो बेसिकली ये रूल 138 कह रहा है कि भाई ई वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड ऑन फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन सर्टेन प्रिस्क्राइब केसेस एंड अब कौन मूवमेंट कॉज कर रहा है हु इज कॉजिंग द मूवमेंट अगर सप्लायर इज रजिस्टर्ड यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है एंड अंडरटेक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है एंड ही अंडरटेक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज बाय द सप्लायर यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है एंड हीस द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स मूवमेंट इज कॉज बाय द सप्लायर इफ रेसिपियट अरेंजेज टू ट्रांसपोर्ट द गुस मूवमेंट इज कॉज बाय हिम यदि रेसिपियंट अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो मूवमेंट उसके द्वारा मतलब कॉज किया हुआ माना जाएगा देन इन केस इफ द गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को माल दे रहा है और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो उस केस के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स वेल बी कॉज बाय द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट उस केस के अंदर कौन मूवमेंट करेगा क्या माना जाएगा मूवमेंट विल बी कॉज बाय द रजिस्टर्ड रेसिपियंट तो कंसाइनमेंट वैल्यू अच्छी से देखिएगा और यहाँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ सप्लाई के कारण से मूवमेंट हो फॉर रीजन अदर देन सप्लाई भी हो या ड्यू टू इन्वर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन E क्या है Mandatory हो जाता है अब देखिए इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी पार्ट ऑफ ई बिल में पार्ट ए वे बिल में जो इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा वो क्या करेगा द सेम विल बी फर्निश रजिस्टर्ड पर्सन हु मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो ये बता रहा है कंसाइनर कौन है कंसाइनी कौन है क्या डिस्क्रिप्शन है गुड्स का जो प्लेस ऑफ औरिजन क्या है पिन कोड वाइज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है पिन कोड वाइज जिससे कि उसका क्या है डिस्टेंस क्या कर पाए मेज़र कर पाए जिससे उसका क्या है डिस्टेंस क्या है मेज़र हो पाए इसके लिए क्या है ये पार्ट एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे कि अल्टीमेटली जो वैलिडिटी है कितने पीरियड के लिए ये ईवे बिल क्या रहेगा वैलिड रहेगा वो डिस्टेंस से डिपेंड करता है तो उसके वैलिडिटी क्या है जज कर पाए ठीक है तो पार्ट ए टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स परंतु यह क्या है ट्रांसपोर्टर भी फर्निश कर सकता है यह क्या है ट्रांसपोर्टर भी फर्निश कर सकता है इन केस इफ इथोराइज ट्रांसपोर्टर फर्निश कर सकता है यदि वो ऑथोराइज हो और <coughs> ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कोरियर एजेंसी भी फर्निश कर सकती है अब बेसिकली क्या है पार्ट ए जो है इट इज़ कम्प्राइजिंग ऑफ द जी एस टी आई एन ऑफ़ द सप्लायर एंड रेसीपी एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या प्लेस ऑफ डिलीवरी है इंडिकेटिंग द पिन कोड उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट है दैट इज़ टैक्स इन्वाइस है या बिल ऑफ सप्लाई है या डिलीवरी चालान है बिल ऑफ़ एंट्री है वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है एच कोड क्या है बेसिकली एच कोड से डिस्क्रिप्शन पकड़ रहे हैं ये एंड रीजनस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ठीक है पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर अपनी डिटेल देगा दैट इज गुड्स रिसीट नंबर या रेलवे रेलवे नंबर या जी नंबर हो गया लॉरी रिसिप्ट बोल दो आप रेलवे रिसिप्ट बोल दो या एयरवे बिल नंबर बोल दो ठीक है या एयरवे बिल नंबर बोल दो उसके अलावा क्या है वहीकल नंबर केस ट्रांसपोर्टेशन इज बाय रोड और वहीकल नंबर है केस ट्रांसपोर्टेशन इज से बाय रोड अब हु कैन जनरेट द ई वे बिल जैसे मैंने आपको बताया ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी इफ ट्रांसपोर्टेशन इज डन इन द ओन कन्वीएंस या हायर्ड कन्वीएंस और बाय रेलवे बाय एयर और बाय वेसल ठीक है तो रजिस्टर्ड पर्सन जो कंसाइनर या कंसाइनी है वो क्या करेगा जनरेट करेगा ई वे बिल या ट्रांसपोर्टर अगर इफ द गुज है बीन हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड अगर कोई ना इधर द कंसाइनर नॉर द कंसाइनी अगर कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ही जनरेट नहीं कर रहे हैं ई वे बिल एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इज मोर देन से रुपीज फिफ्टी थाउजेंड वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है कंसाइनमेंट वैल्यू पचास हज़ार से एक्सीड कर रही है तो फिर क्या है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर टू जनरेट ई वे बिल हाँ अब यहां पे देखिए रेलवे के केस में तो वैसे तो क्या है नॉर्मली जो गुड्स होंगे दैट विल बी एक बाय द इनवॉइस एज वेल एज द कॉपी ऑफ द ई वे बिल या डिलीवरी चालान और द कॉपी ऑफ द ई वे बिल पर रेलवे के केस में कॉपी ऑफ ई वे बिल साथ साथ नहीं जाएगी जब वो माल को छुड़ाया जाएगा रेलवे से जब माल छुड़ाया जाएगा तो वो तभी छोड़ेंगे जब आप क्या है ई वे बिल की कॉपी उनको क्या है प्रोड्यूस करोगे तो गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे शेल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे द सेम शेल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ से ई वे बिल एंड ई वे बिल कैन बी जनरेटेड इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन रुपीज से फिफ्टी थाउजेंड ई वे बिल क्या हैन बी जनरेटेड इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यूज से डज नॉट एक्सीड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड अब देखिए अपने को पार्ट बी के अंदर डिटेल्स बढ़नी है वहीकल की वहीकल की डिटेल्स बढ़नी है तो अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है गुड्स का यदि इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है गुड्स का अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है गुड्स का अप टू 50 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन या फ्रॉम से प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनल टू फाइनली टू वॉट प्लेस ऑफ बिजनेस दू कंसाइनी तब यहां डिटेल्स ऑफ कन्वेयर्स मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी कई बार क्या होता है असाइनमेंट किया जाता है ईवे बिल का ठीक है अगर सपोज कीजिए सिटी ए से सिटी बी तक तो आर आर ट्रांसपोर्ट ने माल दिया फिर सिटी बी से आगे कौन ले जाएगा सिटी सी तक ये टी टी ट्रांसपोर्ट ले जाएंगे तो अब आर आर ट्रांसपोर्टर क्या करेगा सिटी बी तक पहुंचेगा फिर ये असाइन कर देगा क्या ये ई वे बिल किसको को टी टी ट्रांसपोर्टर्स को फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स और अगर कोई गुड्स का दूसरे कन्वेयंस के अंदर क्या है ट्रांसफ़र हो गया ठीक है तो इन सच केसेस द ट्रांसपोर्टर और द जनरेटर ऑफ द ई वे बिल शेल अपडेट द न्यू वहीकल नंबर कई बार होता है ना जो ट्रक है वो खराब हो गया तो उसको यहां से माल हटा के दूसरे ट्रक में रवाना किया तो दे विल है अपडेट द डिटेल्स द न्यू व्हीकल नंबर इन पार्ट बी ऑफ ई वे बिल बिफोर सच ट्रांसफर एंड से फर्दर मूवमेंट ऑफ द गुड्स ठीक है अब क्या है कंसोलिडेटेड ई वे बिल की प्रोविजन्स भी दे रखे हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल के प्रोविजन भी दे रखे हैं जैसे सपोज कीजिए इंडिविजुअल ई वे बिल जनरेट हो गए ठीक है तो जो इंडिविजुअल ई वे बिल जनरेट हो गए अब मल्टीपल कंसाइनमेंट जा रहे हैं मल्टीपल कंसाइनमेंट जा रहे हैं किसके अंदर उस ट्रक में ठीक है मल्टीपल कंसाइनमेंट जिनके इंडिविजुअल ई वे बिल जनरेट हो गए हैं तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर क्या है कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैन बी जनरेटेड जो इसमें सारे इंडिविजुअल ई वे बिल्स की क्या हो जाएगी इसमें डिटेल आ जाएगी सीरियल नंबर आ जाएगा और उसके आधार पे आप क्या है कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या है जनरेट करोगे तो फंडामेंटली देखिए क्या कह रहे हैं ये ये कह रहे हैं कि आफ्टर ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड after e-way bill has been generated where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance the transporter may indicate the serial number of e bills. transporter may indicate the serial number of e bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal एंड अ कंसोलिडेटेड इन इन फॉर्म जी एस टी ई वे बिल जीरो टू मे बी जनरेटेड बाय हिम ऑन द सेड कॉमन पोर्टल प्रायर टू वॉट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ठीक है यह क्या हो जाएगा आफ्टर ईवे बिल जनरेटेड वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट बेसिकली आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेस द ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट दीरियल नंबर ऑफ ई वेबिल्स जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल

एंड मे ऑल्सो से जनरेट कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन फॉर्म जी एस टी ई वे बिल जीरो टू प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स अब क्या है देखिए कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल की बात करें तो ई वे बिल कैन बी कैंसल्ड इफ आईदर गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड और नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स फर्निश्ड इन द ई बिल एंड The सेम विल बी कैंसल्ड कितने टाइम के अंदर कैंसिल किया जा सकता है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द जनरेशन वो ई वे बिल कैंसिल किया जा सकता है कितने टाइम के अंदर विद इन से ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द जनरेशन अब वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल का क्या है सपोज कीजिए इक्कीस जुलाई को आपने सुबह साढ़े आठ बजे जनरेट किया वो ई वे बिल ठीक है पार्ट बी में जब इंफॉर्मेशन फुलफिल हो गई तब ई वे बिल जनरेट हो रहा है तो अब ये 21 जुलाई की रात 12 बजे 21 बाईस की जो बरा बजे की रात से इसका एक डे काउंट होगा यानी दूसरा पहला दिन का पूरा हो जाएगा साढ़े आठ बजे नहीं होगा अगले दिन ये होगा पहला दिन पूरा जो 22 तेईस की जुलाई है 22 तेईस की जो 22 तेईस जुलाई की जो रात है बारह बजे तब तक एक दिन माना जाएगा और एक दिन के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक दिन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करना है अप टू टू हंड्रेड किलोमीटर्स अप टू से टू हंड्रेड किलोमीटर्स दैट इज वन डे इनकेस अदर देन से ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट एटलीस्ट जहां वन लेग इनवॉल्व से ट्रांसपोर्ट बाय शिप फिर अगले दिन के लिए फॉर एवरी टू हंड्रेड किलोमीटर्स और पार देर ऑफ वन एडिशनल डे तो यानी एक दिन में 200 किलोमीटर की बात कर रहे हैं रात के 12 बजे से लेकर अगले रात की 12 बजे तक की बात चल रही है और अगर यही क्या है ओवर डायमेंशनल कार्गो है बड़ी ट्रेला है ट्रॉले हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो है और मल्टी मॉडल शिपमेंट है जहां एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व से ट्रांसपोर्ट बाय शिप तो एक दिन ईवे बिल कितने किलोमीटर की वैलिडिटी रहेगी बीस किलोमीटर की वैलिडिटी रहेगी और फिर एवरी ट्वेंटी किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ वैलिड रहेगा फिर एवरी ट्वेंटी किलोमीटर और पार्ट जीरो क्या है वैलिड रहेगा आगे फिर देखिए आगे द पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स ये क्या करेगा जो जनरेट कर रहा है ईवे e बिल वो स्पेसिफाई कर देगा डिटेल्स टू द अदर पर्सन दैट इज द रेसिपेंट रेसिपिएंट को ये डिटेल्स कम्युनिकेट कर दी जाएगी फॉर एक्सेप्टेंस पर्पज और अगर रेसिपिएंट ने ये एक्सेप्टेंस नहीं दी यदि रेसिपिएंट ने एक्सेप्टेंस नहीं दी विद इन सेवेंटी टू आवर्स फ्रॉम द जनरेशन ऑफ ई वे बिल और से द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच है अर्लियर ठीक है जब ई वे बिल जनरेट हुआ या डिलीवर किया गया माल उसके बहत्तर दिन के बहत्तर घंटे के अंदर उसने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी तो यह मान लिया जाएगा कि इसने क्या है ई वे बिल क्या है एक्सेप्ट कर लिया है अब कुछ कुछ सरकमस्टांसिस के अंदर इन्होंने बोल रखा है ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे एल गैस हो गया फॉर हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एक्जेंटेड कैटेगरी कस्टमर्स कैरोसिन ऑयल हो गया जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बिक रहा है पोस्टल बैगेज हो गया नेचुरल एंड कल्चर्ड पल्स हो गए ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ सिल्वर स्पेयर्स ठीक है करेंसी पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स वग़ैरह फिर है अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है नॉन मोटराइज कन्वेयंस के अंदर कस्टम्स जो स्टेशन से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है say, land, से लैंड आई सी डी या एयरफ्रेट स्टेशन तक या आई सी डी से या फ्रेट स्टेशन से कस्टम पोर्ट तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अंडर कस्टम्स मूवमेंट से अंडर कस्टम्स कंट्रोल या तुलने के लिए धर्म कांटे माल गया है और वो जो धर्म काटा है वो चौबीस किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस दे रखे हैं एक बार आप बुक से कोथ्रू कर लीजिएगा जहाँ पे ई वे बिल कर जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अब क्या डॉक्यूमेंट्स या डिवाइसेस है जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वींस को अपने साथ कैरी करने होंगे एक तो हो गया इन्वाइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान दूसरा हो गया क्या कॉपी ऑफ ई वे बिल दूसरा क्या हो गया कॉपी ऑफ ई वे बिल हो गया इन अ फिजिकल फॉर्म और से बिल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैग्ड टू रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकेशन डिवाइस इन केस इनवॉइस इज इशूड यदि ई इनवॉइस इशू किया गया है द क्यू आर कोड द क्यू आर कोड रेफरेंस नंबर मे बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिकली फॉर वेरिफिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर इन ल्यू ऑफ से फिजिकल कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस अब देखिए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्सेज दिस बिहाफ दे में प्रॉपर ऑफिसर टू इंटरसेप्ट सेक्शन सिक्सटी एट के साथ ये में अधिकार दे दिया कि वो क्या कर सकते हैं किसी भी कन्वियंस को रोक सकते हैं और ई वे बिल को चेक कर सकते हैं ई वे बिल जो कि या तो फिजिकल फॉर्म में है या फिर क्या है दट इज बिन एम्बेडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी से आइडेंटिकेशन डिवाइस तो दे विल वेरीफाई दिल एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कन्वींस कैन बी कैरिड आउट बाय ऑफिसर ऑन से रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स आफ्टर ओपटेनिंग द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर ऑथोराइज ऑफिसर अब जो भी उन्होंने इंस्पेक्शन किया है गुड्स का ड्यूरिंग मूवमेंट जो भी उन्होंने इंस्पेक्शन किया है गुड्स का ड्यूरिंग मूवमेंट ठीक है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द कॉमन पोर्टल वो क्या है ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द कॉमन पोर्टल ठीक है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन एक समरी रिपोर्ट देनी है और उसके बाद तीन दिन के अंदर आपको फुल रिपोर्ट उसकी देनी है फाइनल रिपोर्ट देनी है वंस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स बींग ट्रांसपोर्टेड ऑन एनी हैज बीन डन ड्यूरिंग ट्रांजिट एट वन प्लेस एक जगह हो गया तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन दोबारा ना तो उस स्टेट में या अदर स्टेट में होगा जब तक कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं हो फर्दर कोई टैक्सीविजन की और ये तीन दिन का जो फाइनल रिपोर्ट का पीरियड है सेम कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर थ्री डेज ये एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर फर्दर थ्री डेज ठीक है

ये क्या है कि जो चाहे वो कंसाइनर हो चाहे वो कंसाइनी हो चाहे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो या वो कोरियर एजेंसी हो वो पार्ट ए यानी ई वे बिल जनरेशन यहाँ क्या हो गया ब्लॉक हो गया ई वे बिल ब्लॉक कब हो जाएगा किस व्यक्ति के लिए हो जाएगा जो व्यक्ति जो व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स तो नो पर्सन इंक्लूडिंग कंसाइनर कंसाइनी ट्रांसपोर्टर ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी शेल बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जी एस टीवेबल जीरो वन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन कब फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ सी एम पी जीरो एट स्टेटमेंट फॉर कॉन्जेटिव टू क्वार्टर्स दैट इज वॉट नॉन फर्निशिंग ऑफ जी एस जीरो एट स्टेटमेंट फॉर कॉन्जिकटिव टू क्वार्टर्स या फिर क्या है नॉन फर्निशिंग ऑफ जी एस टी आर थ्री बी रिटर्न फॉर कॉन्जिकटिव टू टैक्स पीरियड्स नॉन फर्निशिंग ऑफ जी एस टी आर थ्री बी रिटर्न फॉर कॉन्जिकटिव टू टैक्स पीरियड्स या फिर नॉन फाइलिंग ऑफ जी एस टी आर वन स्टेटमेंट फॉर एनी टू मंथ्स और क्वार्टर्स ठीक है अगर उसने क्या है सीएमपी एम जीरो एट स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया लगातार दो क्वार्टर के लिए थ्री बी फर्निश नहीं किया लगातार दो टैक्स पीरियड्स के लिए जी एस टी आर वन फॉर एनी टू मंथ्स या क्वार्टर उसने फर्निश नहीं किया या उस व्यक्ति का क्या है रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया तो वो जो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है उसका ई वे बिल ना तो कंसाइनर जनरेट कर सकता है ना कंसाइनी जनरेट कर सकता है ना ई कॉमर्स ऑपरेटर ना कोरियर एजेंसी ना ट्रांसपोर्टर परंतु कमिश्नर क्या कर सकता है मे ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म जी एस टी ई जीरो फाइव ऑन सफिशेंट कॉज बींग शोन क्या कर सकता है उस व्यक्ति को अलाउ कर सकता है फॉर जनरेशन ऑफ ई वेबिल जो भी एप्लीकेशन लगी उसको अगर रिजेक्ट कर रहा है कमिश्नर कि भाई मुझे अलाउ कर दे दिया जाए जनरेशन ऑफ ई वेबिल और वो रिजेक्ट कर रहा है कमिश्नर तो उसको पहले अपस्ट्री देनी पड़ेगी कंसर्न पर्सन की अगर कोई परमिशन ग्रांट की गई है स्टेट कमिश्नर और से यूटी टी कमिश्नर के द्वारा तो यह क्या है डीम्ड एक्सेप्टेंस होगी या डीम्ड रिजेक्शन होगी जैसा भी केस है बाय द सी जी कमिश्नर तो ये अभी अपन ने क्या है ई वे बिल से रिलेटेड ई वे बिल से रिलेटेड सारे प्रोविजन क्या है डिस्कस किए कंसाइनमेंट वैल्यू पे क्वेश्चन आ सकता है और आपके जो कंसोलिडेटेड ई वे बिल से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं